हम लोग गौस्तरम के बारे में, हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है गौस्तरम। क्या चल रहा है? गौस्तरम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गौस्तरम। क्या पढ़ेंगे? गौस्तरम। एड दे दो ऊपर में दो गौस्तरम। बात नहीं गौस्तरम। लास्ट टॉपिक चल रहा है पहले चैप्टर का लास्ट पॉइंट टॉपिक है इसमें गौस्तरम के बारे में। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाए। मैंने एक सप्ताह का टाइम दिया था आपको, 5 दिन 6 दिन में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएंगे। गौस्तरम चलिए गौस्तरम में हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात हम लोगों को पढ़ना है गौस्तरम। क्या पढ़ना है? गॉस थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, अभी लिखना नहीं कुछ। गॉस थ्योरम के द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहली बात क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात कोई पूछे गॉस थ्योरम के लिए, हम गॉस थ्योरम के द्वारा क्या पा सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात गॉस थ्योरम के द्वारा, गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। तीसरी बात ओपन सरफेस के लिए लागू नहीं होता है। लिखना नहीं है, अभी रफ चल रहा है। लागू नहीं होता है, ये हमारी मेन मोटो है। सबसे पहली बात देखते हम लोग गॉस थ्योरम के द्वारा क्या प्राप्त करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है। क्या निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किस थ्योरम के द्वारा? गॉस थ्योरम के द्वारा। गॉस थ्योरम से क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 2022 का पहला क्वेश्चन यही था, लॉन्ग क्वेश्चन है सर आपको, इसमें नहीं आएगा तो सर आएगा क्या? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पूछेगा। यूट्यूब पे डाला हुआ है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, लिखा हुआ है 100% बोर्ड मॉडल है। अगर वो नहीं पूछा तो भरोसा छोड़ दे, इसके बाद पढ़ाना लिखाना छोड़ देगा। इतनी डायरेक्टेड क्वेश्चन है, यानी ध्यान रखोगे बोर्ड का क्वेश्चन लगभग मैच करवा देते रहते हैं। इतनी तरह से सेटिंग करते हैं क्वेश्चन को, आपको लगभग मिल जाएगा सब क्वेश्चन। गॉस थ्योरम में देखते हैं क्या करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, किस सरफेस के लिए लागू होता है? ओपन सरफेस के लिए लागू। अब देखो गॉस थ्योरम होता क्या है। अब यहां से मेन बात चलते हम लोग, बिल्कुल ध्यान दें यहां पे गॉस थ्योरम। बात नहीं करेंगे, अब ध्यान दो, ये कोई क्लोज सरफेस है। एक गेंद समझ लो, हवा वाला गेंद होता है, प्लास्टिक की गेंद, अंदर में खोखला है। ठीक से बैठो, खोखला गेंद समझ लो ना, उसको हमने पिच का दिया, काम दिया। अंदर में मान लो यहां पे चार्ज क्यों है, मान लो पानी में जाते, मालक रसगुल्ला खाए, पानी में गए। मान लो इस क्लोज सरफेस के ये वृत्त नहीं समझ लेना, ये गेंद टाइप का था, बॉल टाइप का, और उसको हमने क्या कर दिया? पिचका दिया। और अंदर में मान लो मक्खी को घुसा दे, तो क्या ये मक्खी निकल जाएगी? मतलब क्लोज सरफेस। और यहां पे अगर छोटा सा काट दे तो मक्खी को निकल जाए, हो जाएगा ओपन सरफेस। अब गॉस थ्योरम लागू। पहली बात हमारे बच्चे ये जान गए कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लागू होता है। इसको कितनों पिचका दे, इससे क्या कर दे, और यहां पर अंदर में क्या है? चार्ज। ये क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस। गॉस थ्योरम लागू होगा कि नहीं?
पहली बात हम लोग सीखे कि गॉस टनल ग्रोथ सरफेस के लाभ है क्या गॉस टनल। सुनो छपिए यहां पे माय डियर, अगर मान लो ये कोई गेंद है या बल्ब है, इसके अंदर में मान लो कि मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, इससे क्या निकलेगा? प्रकाश, लाइट निकलेगी कि नहीं? yes, क्या निकल रहा है? लाइट, लाइट निकल रही है। उसी तरह इस क्लोज सरफेस के अंदर में ये चार्ज है, जो ही चार्ज रख दोगे तो इससे निकलेगा फ्लक्स। क्या निकलेगा? फ्लक्स। क्या निकल रहा है भैया? फ्लक्स। अब क्या है? बहुत समस्या चल रहा है। हाँ चलो, अब क्या होगा? यहां तो हम लोग पता चल गया कि इस क्लोज सरफेस के अंदर में मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है तो क्या निकल रहा है? लाइट। इतना तो पता है कि लाइट निकला, कितना निकला ये निकालना है, ये तो पता है। ऐसे सुमित था परमा मारे, लेकिन मारे तो लेकिन चोट कितना लगा ये हमारे मुद्दा है। अब यहां पर हमारा मुद्दा क्या है कि जो ही इस क्लोज सरफेस के अंदर में हमें मोमबत्ती से लेना देना नहीं, हमें क्लोज सरफेस के अंदर में क्या रखा हुआ? चार्ज। जो ही चार्ज रखोगे इससे क्या पास करेगा? फ्लक्स। अब हमें यह प्राप्त करना है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो उसके लिए किसको यूज करें? आप इतनी बात समझ में आ गया? गॉस थ्योरम के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किस सरफेस के द्वारा? क्लोज सरफेस होकर। किस सरफेस होकर? अब क्या करते भैया, इससे तो फ्लक्स निकला, तो फ्लक्स को लिखेंगे फाई से। फ्लक्स लिखो तो कैसे? गोल स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज रसगुल्ला, तो गोल स्पॉन्ज नहीं, उसको थोड़ा सा दबा दो, तो दबा दोगे तो बन जाएगा ऐसा, ऊपर से नीचे काट दो, ये हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स का सिंबल पास समझ में आ गया। अगर स्पॉन्ज को नहीं दबाओगे तो गोले बने तो ऐसे कर दोगे, ऐसे भी लिख दोगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने की कोशिश ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे। चलिए अब हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता हमारा। गॉस थ्योरम के द्वारा क्या निकालेंगे? फ्लक्स। अब यहां फ्लक्स कितना पास करा हुआ देखो, इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है, तो फ्लक्स का सूत्र होता है क्यू इन, बात नहीं बिल्कुल, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का क्या सूत्र होता? क्यू माने टोटल चार्ज, क्यू माने इन माने अंदर, टोटल चार्ज कहां था? टोटल चार्ज इन साइड दी क्लोज सरफेस। इस क्यू इन का दूसरा नाम हो जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड दी सरफेस, इनसाइड दी क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। माय डियर, इसके मैं रब कर रहे अभी समझाने रहा हूं, अभी गौर करो को समझाने के लिए रब कर रहा हूं, तो क्यू इन को क्या बोलोगे? टोटल चार्ज इनसाइड दी क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो भैया ने क्या कहा कि भैया इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो कहा कि देखिए इसका हम एक सूत्र दे दें, क्यू इन बाय कितना? क्यू इन बाय अंदर में कितना चार्ज? क्यू बाय नहीं गॉस थ्योरम, नहीं गॉस थ्योरम, बस हलवा है, बस बिल्कुल हलवा। एक इसी बात को अब याद रखो, ये फ्लक्स इसका नाम कैसे सुनो, परिभाषा को हम बोल रहे हैं, इस भाई को बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आधा फ्लक्स निकाला कि टोटल फ्लक्स निकाला, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस, थ्रू दी क्लोज सरफेस। वो बोले भाई का नाम क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस। क्या बोलोगे? जोर से बोलो, से बोलो
वाई बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन आर, बस यही है गॉस थ्योरम। तो इसको क्या बोलोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉस, क्या बोलोगे, इज इक्वल टू, ये बराबर है ना, बराबर टू क्या बोलोगे, इज इक्वल टू क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, टोटल चार्ज इन साइड दी सरफेस, इन साइड दी क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दिस इज द गॉस थ्योरम। अब इस बार आएगा सीधे दो नंबर मिलेगा अस्टेट गॉस थ्योरम, इस बार पांच नंबर में था अस्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट, एना प्रूव करने वाला नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा अस्टेट गॉस थ्योरम फिक्स है, वो सब कुछ फिक्स है, और नहीं पूछेगा तो हमारा तो नॉलेज आ गया ना, यहां तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे एमसीक्यू में मिले, शॉर्ट में लॉन्ग में मिल बैठेगा, दो जगह मिलेगा, तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता है लिख लेंगे, क्वेश्चन इस पे लिख लेंगे, अस्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट, अस्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट, अस्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट, सॉल्यूशन गॉस थ्योरम लिखकर डैश या गॉस लॉ भी पूछ सकता है, एक ही दोनों बात हुआ, याद रखना, क्या याद रखोगे, फाई बराबर इस बात को भाषा में क्या लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोजर, लिखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इन साइड द सर्फेस, टोटल चार्ज इन साइड दी क्लोज सर्फेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फाई बराबर क्यू इन बाय कितना एप्सिलॉन नॉट, और याद रखो दिस इज योर क्लोज सर्फेस, और इस क्लोज सर्फेस के अंदर भी मान लो यहां पर चार्ज कितना है क्यू है, इससे क्या पास करेगा फ्लक्स, डायग्राम देखो फ्लक्स पास कर रहा है, मास्टर को पानी भी पीने दो, नहीं जी चाय पानी पिएगा तो तुम्हारा अच्छा से पढ़ाएगा, चांद्रो फाइव निकल गया, फाइव का सूत्र क्या हो क्यू बाय, आ देखो क्यू इन के स्थान पे क्या होता है क्यू, क्यू इन के स्थान पे क्यू, नीचे में लिखो भाई
इसके नीचे में, इस पॉइंट के नीचे में, इस पॉइंट के नीचे में फिर लिखो, ये पॉइंट के नीचे में फाई बराबर क्यू इन अंदर में कितना चार्ज है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, दूसरी बात इस फॉर्मूले को हम लोग को प्रूव करना है। नहीं जी, हमको क्या करना है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, अगर दो नंबर में पूछता है स्टेट गॉस थ्योरम, आप यहां तक लिखकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है, फोकट का नंबर फोकते जैसा लिखा है। पांच नंबर के लिए थोड़ा सा मेहनत मैराथन दौड़ लगाएंगे, तो हम लोग आज इसको प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, हमारे सभी बच्चे ये क्या लिखा हुआ समझ में आ गया ना, मैं इसके हिसाब से ये लिखा हूं, फाई को क्या बोलो, एक सांस में कहां तक, एक सांस में देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्रॉस सरफेस, क्या बोलोगे, ऐसे मत याद करना, नेट नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स, ऐसे मत याद रखना, कैसे याद किया जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्रॉस सरफेस, इसको क्या बोलोगे, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन साइड दी क्रॉस सरफेस, इसको क्या बोलोगे, डिवाइडेड बाय, सबको याद हो गया होगा, अच्छा क्लियर। चलिए फिगर बना लिया, ये कैसा सरफेस है, फ्लोर, अंदर में चार्ज कितना है, चलो भैया अब यहाँ पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, चार्ज निगेटिव है तो फ्लक्स भी निगेटिव होगा, यानी फ्लक्स प्लस माइनस हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा दर, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ग्रुप ऑफ गॉस थ्योरम, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग देते हैं, देखो ये मान लो कि कोई स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल बॉल है, गोलाकार कोई गेंद है, स्फीयर है, गोलाकार गेंद की तरह स्फीयर है, अंदर में खोखला है, जब खोखला बोलेंगे ना तो सेल यूज करेंगे, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल गोलाकार सेल है, सेल जब भी शब्द होगा अंदर में क्या होगा, खोखला होगा। चलो इस स्फेरिकल सेल के अंदर में सेंटर में ध्यान से सुनेगा, चार्ज हमने क्यू रख दिया, क्या रख दिया, और यहां से इसकी दूरी रेडियस कितनी होती है, मान लो रेडियस कितनी है, आर। अब जब ये यहां पर भाई चार्ज है तो क्या पास करेगा, फ्लक्स जी, तो आप इस बिंदु पर हमने पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। चलिए अब इतना पहले डायग्राम में बड़ा बड़ा बनाइए, अगर आपके हाथ में चूड़ी बाला है तो उसको निकाल करके उस पर रखिए और फिगर बनाइए, हाँ उसको निकाल लीजिए, तो हाथ से ही गोल बनाए, नहीं है तो कोई बात, चूड़ी पाल लेना घर, जल्दी करो जल्दी करो, पास नहीं करो हमारे साथ, टाइम पे खत्म करना है, अरे नहीं ये भैया चार्ज कितनी चार्ज है, कहां पे है, सेंटर पे है जी, किसके सेंटर पे, स्फेरिकल सेल के सेंटर पे, और लिख लो नीचे में, सपोज ये पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज कितना क्यू रखा हुआ है, इज कैप्ट एट द सेंटर, एट दी सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल खोखला गेंद के सेंटर में रखा हुआ है, स्फेरिकल सेल, इस
सेल की रेडियस कितनी है भैया? हाँ, हम आगे बढ़े। सबसे पहले हम पी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालें जी? हमें तो निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर याद कीजिएगा ई डॉट डी एस, याद करना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम पी बिंदु पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार छोड़कर किसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर, एट पॉइंट कहां पे? पी पे। याद कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन आ गया। सबसे पहले हम लोग पी बिंदु पर क्या निकाले? देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज क्या है, इसीलिए इलेक्ट्रिक बिल यहां बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक बिल किधर हो गया? ठीक बाहर करो, तिरछा नहीं, टेढ़ा नहीं करना, इसी लाइन को आगे बढ़ा दो। इलेक्ट्रिक बिल पी बिंदु पर किधर होगा? बाहर करो। पी बिंदु पर किधर होगा? बाहर करो। जल्दी करो, फिगर में ठीक बाहर करो। ई हो गया। अब देखते इधर मान को, या देखो एक पल के लिए मान लो ये गेंद का ऊपरी सतह है, गेंद की, ये गेंद ऐसे गोल होगा ना, गेंद की ऊपरी सतह, और ये बिंदु तुम्हारा पी है। मान लो यही बिंदु पी है, ये बिंदु पी कहां है? गेंद के अंदर की, गेंद के बाहर की, गेंद की सतह पे? ये मान लो गेंद की सतह है और ये बिंदु क्या है तुम्हारा? पी है। इस सतह पे एक वृत्ताकार एक सर्कल ड्रॉ कर दो, छोटा सा। इसके ये छोटा सा एरिया है, यहां पर पी बिंदु से होते हुए एक छोटी सी एरिया ड्रॉ कर दो। रुक जाइए, ये हमने सरफेस कहां ड्रॉ किया? पी पॉइंट पे, आप भी दिखा दीजिए। और इसकी एरिया मान लीजिए कि डीएस है, छोटी एरिया है, छोटा सा सर्कल ड्रॉ किए, छोटी सी डीएस, छोटा एरिया का नाम क्या होता है? डीएस। ये एरिया का एरिया वेक्टर इसी दिशा में होगा, इधर होगा, याद है ना? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी दिशा में एरिया वेक्टर भी होगा। दिखाइए उधर, हमने छोटी सी एरिया ड्रॉ किया कहां पे? पी बिंदु से होते हुए सरफेस पे। इसका एरिया कितना है? डीएस। डीएस का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा मुद्दा क्या है भैया? फ्लक्स निकालना। पहले इस सतह से फ्लक्स निकालते हैं, छोटी सी एरिया होकर। किस एरिया होती है? छोटी सी एरिया कितनी है? डीएस। नाउ रुक जाइएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना गुना है, बिल्कुल समझना। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया डीएस, ये एरिया कितनी है? अ स्मॉल एरिया कितनी है? डीएस। याद कीजिएगा फ्लक्स का सूत्र, फाई बराबर ई डॉट डी एस, होता है कि नहीं होता है? शान से देख करिए, टी फाई बराबर ई डॉट डी एस का सूत्र होता है ई डी एस कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है? ई डी एस कॉस थीटा, ई डॉट याद पढ़ा ना, फ्लक्स तो पढ़ाया होगा ना। चलिए देख कर रहिए, अब आप इतना तो पहले लिख लीजिए, कॉस थीटा देखो था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही दिशा में कि दो दिशा में? थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। रुक जाइए, अभी ई का वैल्यू पुट कर दो,
वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस कितना डिग्री जीरो डिग्री इतना तक चलिए जल्दी कीजिए थीटा कितना होगा भैया जीरो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा पूछेगा क्यों क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में जल्दी लिखे फास्ट में लिखे आगे बढ़े डी फाई का फॉर्मूला क्या हो गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस जीरो डिग्री कितना वन लिख दो डी फाई बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस जीरो डिग्री कितना वन और जीरो डिग्री कितना वन और जीरो डिग्री कितना वन और जीरो डिग्री कितना भैया वन अब आगे बढ़ो डी फाइव वन का तो कोई वैल्यू नहीं डी फाइव बराबर कितना निकल गया वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस ये पूरी गेंद होकर के फर्स निकला कि छोटा सा एरिया होकर आपको आएगा नेट फ्लश निकालना है ये पूरी गेंद से फ्लश निकालना है पीछे एक करिकबा बतर सुट्टा एक लात मारेगा बैगन का चटनी बना देगा ठीक है यहां देखो अभी जो फ्लश निकला है सिर्फ इतना ही समझे आपको किससे निकालना है पूरी गेंद से फ्लश निकालना क्योंकि यहां से जो फ्लश निकलेगी वो सबसे निकलेगा ना आपको निकाला है नेट फ्लश क्या निकाला है रुक जाइए अब यहां तक आ गया ना यहां तक लिख लिया रुक जाइए अब बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट लास्ट पॉइंट चल रहा नेट फ्लश ये पूरा सरफेस क्लोज है कि क्या है नेट फ्लश थ्रू दी क्लोज सरफेस थ्रू दी रुक जाइए जब नेट निकालना हो तो इसमें इंटीग्रेशन लगा रूल है ये इंटीग्रेशन लगा दो इधर भी इंटीग्रेशन लगा इतनी बात समझ में आया और ये सरफेस कैसा है नेट निकालने के लिए हरहरा सांप लगा दिया हरहरा सांप नहीं है ये करकरंट भी नहीं है ये आपका ओवरा भी नहीं है ये आपका इंटीग्रेशन का चीज है साइन ऑफ इंटीग्रेशन आसम आ गया तो जब ये नेट निकालना हो तो दोनों क्या लगा दो इंटीग्रेशन आसम में आ गया होगा मैथ के स्टूडेंट 12 में क्लास भी है इंटीग्रेशन का 44 नंबर का कैलकुलस इक्यू किताब से पूछता है चलिए हल्ला नहीं कीजिए बायोलॉजी ने चाहे मैथ ने फिजिक्स को पढ़ना पड़े इसलिए 11 को हमने डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले पढ़ा देते चलिए दोनों क्या लगा दिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ नेट फ्लक्स इनटू कितना है डीएस और ये कैसा सरफेस है तो क्लोज के लिए यहां पे एक सर्कुलेशन लगा दो सर्कल छोटा सा सबका मीनिंग समझो इंटीग्रेशन माने नेट फ्लक्स इसका मतलब क्लोज सरफेस ये जो नेट फ्लक्स निकला किस सरफेस से नेट फ्लक्स किससे निकला आगे बढ़े हम लोग याद करो अगर याद करो इलेवेंथ में याद है अगर कहीं पे इंटीग्रेशन डी एक्स है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एक्स ये कितनी है डी फाइव आंसर क्या हो जाएगा फाइव क्या हो जाएगा अब देखो इसमें ये सभी कॉन्स्टेंट इसको बाहर करो वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस किसी को कोई कंफ्यूजन फिर देखते जाओ
पाई बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, और डी एस का इंटीग्रेशन फिर कितना एस, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, डी एस का इंटीग्रेशन एस और डी एस का इंटीग्रेशन एस, क्लियर हो गया। फिर देखते जाओ फाई बराबर एस माने टोटल एरिया, याद करो दसवीं क्लास को आपने टोटल एरिया गोला का बड़ा था फोर पाई आर स्क्वायर, क्या बना था फोर पाई आर स्क्वायर, क्या बना था फोर पाई आर स्क्वायर, याद रखो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, अपने एस को हटा करके फोर पाई आर स्क्वायर, यहां पर लिखना चुकी एस बराबर फोर पाई आर स्क्वायर। माय डियर इतनी तक क्लियर हो गया, पहले इतना कर चलो, अब देखो ना प्रूव हो गया फोर पहले तक कर चलो, बच्चा छोटा बाद में गले खेल लेंगे ब्रो, अरे लड़का नेट फ्लक्स के लिए क्या दिए इंटीग्रेशन अक्रॉस सरफेस के लिए सर्कल बीच में, चलो आ देखो नेट क्या है, ये क्या खून कर देंगे, खून मार देंगे हम, आराम से करो, एक नंबर हमारा बोर्ड में काटा तो तुम्हारा काट देंगे हमें वहां, एक उंगली काट लेंगे ऐसे कर खटा, हमारा रिजल्ट खराब हुआ तो तुमको खराब कर, चलो जल्दी करो गुरु दक्षिणा नहीं लेना, अरे हमको नंबर बिल्कुल पूरा चाहिए 95+94 95 ऐसे नंबर हमको चाहिए, 90 से नीचे को तो बात नहीं करना हमसे, चलो जल्दी करो, देखा कैसे बोर्ड में लिखा कहीं घसते हैं घस घुस करके लिखते हैं कहीं सिस्टम से लिखाया जा रहा है, और इस फिगरबा को हम अब क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, चलो भैया अरे गधा इस फोर पाई से फोर पाई क्या करते काट गया, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अब बच गया कितना ए भैया आई बराबर क्यू बाई, यही ना प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था कि फल नेट फ्लक्स कितना होता है टोटल चार्ज इन साइड दी सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एक बात करो हट तो जाएंगे और आएगा कौन, हमारे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओके।